हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन, जो कि आपका पांचवा पेपर होता है, ठीक है। और हम लेसन वन डिस्कस कर रहे हैं भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, चंद्रगुप्त, अशोक का चरित्र, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। बौद्ध संगति किसके किसके शासनकाल में हुआ था, ये चार महत्वपूर्ण हमने पॉइंट जो कि थ्री पार्ट में, आपने अगर प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हम जानेंगे कि जो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये BTC 2016 का पूछा हुआ भी प्रश्न है, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, यानी सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में इतिहासकार का जो मत है वो एक जैसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पाया गया है। पहला लाइन, कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर भारत में आधी की तरह आया और शीघ्र ही यहां से वापस भी चला गया, अतः उसके आक्रमण पर भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कुछ जो विद्वान है ये मानते हैं कि जो सिकंदर था वो भारत में आधी की तरह आया था और वो शीघ्र ही चला गया था। यानी आप कह सकते हो कि उनका कहना है कि भारत पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन दूसरी मत कहती है कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा और वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित भी होता है। यानी सबसे पहला पॉइंट तो यही कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके लिए इतिहासकारों में दो मतभेद है। पहला है जो मानता है कि ये कि जो सिकंदर था वो जब आया था तो भारत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो आधी की तरह आया और तूफान की तरह, यानी शीघ्र ही चला गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा जो कहते हैं कि जब सिकंदर आया था तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उसके आक्रमण का, और वास्तव में यह प्रभाव जो है वो अनेक क्षेत्रों में देखा भी जा सकता है। अब चलिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं राजनीतिक महत्व, यानी इतिहास की तिथि निर्धारक में सहायक, यानी इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। सबसे पहले हम जानते हैं राजनीतिक एकता का प्रभाव, यानी तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरश तथा आम्बी के राज्यों में हो गया और अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट हो गए। दूसरा कि यूनानी राज्यों की स्थापना, यहाँ पे पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। तीसरा, दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान, यानी भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के दोषों का भली भांति ज्ञान हुआ, जिसे उन्होंने भविष्य में दूर भी किया। तो देख सकते हो कि उसके आक्रमण से ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव पड़े, जिसमें पहला जो आ जाता है वो आ जाता है राजनीतिक एकता का प्रारंभ, यानी जो तत्कालीन उत्तरी भारत के जो अनेक छोटे छोटे राज्य थे उनका विलय पोरस तथा आम्बी के राज्यों में हो गया और अपेक्षाकृत जो राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से क्या हो गए, एकजुट होने लगे। दूसरा पॉइंट जो हुआ कि यूनानी राज्यों की स्थापना हुई, यानी पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। और तीसरा, दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान, यानी भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के जो भी दोष थे उनके बारे में पता चला और उनको दूर किया, ठीक है, जिसे उन्हें भविष्य में दूर भी किया। अब ये तो राजनीतिक था, तीन, राजनीतिक एकता का प्रारंभ, यूनानी राज्यों की स्थापना और दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। अब हम बात करते हैं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो नए मार्गों का ज्ञान, यानी यद्यपि भारत के यूनान से पहले ही संबंध स्थापित थे किंतु इस आक्रमण से अन्य व्यापारिक मार्ग खुले गए और मार्गों में एक जल मार्ग तथा तीन स्थल मार्ग भारत, यूनान, ईरान आदि पश्चिमी देशों के मध्य थे। काबुल, बलूचिस्तान, सुल्तान दर्रा तथा जोड़ोशियों से होकर जाने वाला स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ।
यानी आप कह सकते हो कि जो सिकंदर का आक्रमण था उन्हें आर्थिक प्रभाव यानी नए मार्गों का भी ज्ञान हुआ। ठीक है, अब देखिए व्यापार का प्रोत्साहन यानी भारत और यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हुए और भारत गर्म मसाले हाथी दांत आदि वस्तु का निर्यात तथा यूनान से कन्याओं का आयात होने लगा। तो ये तो था आयत आर्थिक स्थिति का प्रभाव। ठीक है, यानी ये सिकंदर के आक्रमण से आर्थिक प्रभाव इस तरीके से पड़ा जिसमें व्यापार को प्रोत्साहन मिला और नए मार्गों का ज्ञान हुआ। अब देखिए सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर के भारत विजय के फलस्वरूप कला, भाषा, साहित्य, ज्योतिषी, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव पड़ा, किंतु यह मत सही नहीं है। यह प्रभाव परवर्ती यूनानी संपर्क में था, यानी जो सांस्कृतिक प्रभाव माना जाता है बट जो मत है ये सही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए ये रहा पूरा सिकंदर का, मतलब कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो क्या प्रभाव रहा, जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपने कॉपी में पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। पहला जो राजनीतिक प्रभाव पड़ा जिसमें पहला राजनीतिक एकता का प्रारंभ हुआ, दूसरा यूनानी राज्यों की स्थापना हुआ, तीसरा दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान हुआ, आर्थिक अगर हम बात करें तो नए मार्गों का ज्ञान हुआ और व्यापार को प्रोत्साहन मिला, और सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो इसमें माना जाता है कि सिकंदर की भारत विजय के फलस्वरूप कला, भाषा, साहित्य, ज्योतिषी, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव पड़ा, किंतु यह मत सही नहीं है। ठीक है, तो ये बस तीन पॉइंट है और आपको बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स जो यहाँ का फर्स्ट चैप्टर था ये पूरा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन थे पूरा खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका अति लघु, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं। तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था, तो मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन था वो था शिकार करना। तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सरवण बेलगोला में हुई थी। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, मौर्य काल के प्रचलित सिक्के क्या कहलाते थे, तो मौर्य काल के प्रचलित सिक्के पड़ कहलाते थे। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए, तो अंतिम मौर्य सम्राट का नाम जो था वो था बृहद्रथ। अशोक का राजा अभिषेक किस वर्ष में हुआ था, तो अशोक का राजा अभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, तो चाणक्य का वास्तविक नाम जो था वो था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्यों का पतन किस वर्ष में हुआ था, तो मौर्यों का पतन 184 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला आपका 12 नंबर प्रश्न है कि महापद्म नंद कौन था, तो महापद्म नंद जो था वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, महापद्म नंद कौन था, तो ये जो नंद वंश है इसका अंतिम सम्राट था। 13 आपका क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब युद्ध हुआ था, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम लिखिए, तो जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे वो कौटिल्य और यानी जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी, तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक ने कलिंग विजय कब की, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की थी। अशोक ने किस धर्म को राज्य आश्रय प्रदान किया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य आश्रय प्रदान किया था क्योंकि वो बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। कौटिल्य कौन था, तो चंद्रगुप्त का मंत्री था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आप सभी को आसानी के साथ ये याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स
जितने भी आज जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जिसमें राजनीतिक प्रभाव हमने देखा, ठीक है, आर्थिक प्रभाव देखा और सांस्कृतिक प्रभाव देखा, और कुछ अति लघु क्वेश्चन भी देखे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो यानी सबसे शुरू से देखना है। आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, और आप सभी को मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो इसलिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, ठीक है। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।